गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लास में हम मूल्यांकन को समझेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने परीक्षा को समझा था, तो मूल्यांकन को आप पहले भी यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर में भी आप समझ चुके हैं। तो मूल्यांकन इसके अलावा टीचिंग सब्जेक्ट में भी आपने मूल्यांकन को समझा है, तो आज हम अधिगम के लिए आकलन पेपर के अंतर्गत मूल्यांकन को समझेंगे, मूल्यांकन क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन। अब वैसे तो जो मूल्यांकन हमने मापन पढ़ा था, तो मापन और मूल्यांकन, तो मूल्यांकन मापन मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। तो मूल्यांकन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार का मूल्यांकन छात्र का किया जाता है। तो ये जो मूल्यांकन है वो शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों की ही देन है, लेकिन शिक्षा और मनोविज्ञान के अलावा अन्य विषय के द्वारा भी, जैसे अन्य विषयों का भी मापन की मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन में जीवन के प्रत्येक हिस्से का यानी प्रत्येक भाग का यानी जब जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उन सब का हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है ये व्यापक प्रक्रिया है यानी व्यापक स्तर पर किया जाता है। ये औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से दोनों ही प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन के अंतर्गत गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। तो मानव के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाले इस प्रक्रिया में दर्शन एवं क्षेत्र के दर्शन एवं इसकी जीवन दर्शन एवं क्षेत्र में इसकी आवश्यकता रहती है। तो यानी जो मूल्यांकन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, तो इसमें बालक के यानी कि जीवन दर्शन में इसकी आवश्यकताएं रहती है, जिसे कि हम मूल्यांकन कहते हैं। अब मूल्यांकन में हम कहते हैं यानी शिक्षा में मूल्यांकन को देखा जाए, तो शिक्षा में मूल्यांकन के लिए हम कहते हैं कि राम विज्ञान में कैसा चल रहा है, या सोनू के गणित में कितने नंबर आए हैं, या मोनू क्लास में अन्य छात्रों की तुलना में कैसा है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो मूल्यांकन यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और छात्र मूल्यांकन के आधार पर ही छात्र का आगे का उसका निर्णय लेता है। तो यानी मूल्यांकन क्या है, एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। तो जीवन के प्रत्येक पहलू यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन के द्वारा निर्णय लिया जाता है, जिसे कि हम मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन इस बात का निर्णय करता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। तो समाज और व्यक्ति दोनों की दृष्टि से जो उत्तम होता है और जिसको मान्य होता है, यानी समाज की दृष्टि से भी और व्यक्ति की दृष्टि से जो मान्य होती है, वही मूल्यांकन का निर्णय होता है, उसी को मूल्यांकन कहते हैं। अब देखा जाए तो जो मूल्यांकन है यानी कि व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से जो वांछनीय होता है, वही मूल्यांकन का निर्णय होता है। तो मूल्यांकन के दो पहलू होते हैं। अब वो दो पहलू कौन से हैं, पहला है व्यक्ति और दूसरा है समाज, व्यक्ति और समाज। तो मूल्यांकन के दो पहलू हुए कौन कौन से, व्यक्ति और समाज। तो व्यक्ति जो मानता है और समाज जिसको मान्यता प्रदान करता है, वही क्या कहलाता है, मूल्यांकन का निर्णय कहलाता है। तो मूल्यांकन क्या है, निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा भी इन दोनों आधारों को आत्मसात किए हुए है। अब दोनों आधार कौन कौन से है, व्यक्ति और समाज। तो इन दोनों, यदि समाज की दृष्टि से व्यक्ति में कैसा परिवर्तन किया जाए यानी किस प्रकार वांछनीय परिवर्तन किया जाए, वो मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यानी कि समाज की दृष्टि से तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। तो जो व्यक्ति है, शिक्षा समाज की आवश्यकता और आकांक्षाओं का दर्पण होती है, यानी समाज की जितनी भी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, उन सब का दर्पण क्या होती है, शिक्षा होती है।
तो शिक्षा से व्यक्ति और समाज दोनों ही जुड़े हुए रहते हैं। तो आज हमारा जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाता है, तो पाठ्यक्रम तैयार करने का आधार क्या होता है? व्यक्ति और समाज दोनों ही को ही ध्यान में रख करके, और समाज की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके और पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और फिर उस पाठ्यक्रम के आधार पर छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, जिसे कि हम मूल्यांकन कहते हैं। तो जो मूल्यांकन का संबंध होता है वो उद्देश्यों से स्पष्ट रूप से होता है कि कितने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं या नहीं किए हैं और कितने सुधार की आवश्यकता होती है। तो ये मूल्यांकन के आधार पर ही निश्चय किया जाता है। तो मूल्यांकन वह बिंदु है जिसमें शिक्षा और समाज दोनों ही उपरीत हो उठते हैं। तो मूल्यांकन क्या है? वह बिंदु है जिसमें शिक्षा वे समाज दोनों ही मुखरित को उठते हैं। तो यहाँ मुखरित हो उठते हैं यानी मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन वह बिंदु है जिसमें शिक्षा और समाज दोनों ही मुखरित हो उठते हैं, यानी दोनों ही उन्नति को प्राप्त करते हैं, तो वो मूल्यांकन कहलाता है। तो मूल्यांकन तो शिक्षा और समाज, तो समाज की आकांक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य कौन करती है? शिक्षा करती है। शिक्षा ही छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास भी करती है, जिसे कि हम मूल्यांकन कहते हैं। तो ये मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है इसमें छात्र के व्यवहार में वांछित, यानी मूल्यांकन के द्वारा छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, जिसे कि हम मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी वस्तु उपयोगी है, कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी वस्तु बुरी है, इसके बारे में निर्णय लिया जाता है। और छात्र के जीवन के बारे में भी निर्णय लिया जाता है, जिसे कि हम मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन क्या है? बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्व होता है, यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो कैसा होता है? बुद्धिमत्तापूर्ण और परिपक्व होता है। तो शिक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन क्या होता है? शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। नंबर दो, बुद्धिमत्तापूर्ण एवं कैसा होता है? परिपक्व होता है। तो मूल्यांकन कैसा होता है? शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण और परिपक्व होता है। मूल्यांकन यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, को प्राप्त किया है। तो मूल्यांकन क्या बताता है? कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण और परिपक्व होता है। तो NCERT के द्वारा भी तीन बातें मूल्यांकन में बताई गई है। तो NCERT की एक पुस्तक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवेलुएशन। NCERT तो NCERT की एक पुस्तक है कॉन्सेप्ट, CONCEPT कॉन्सेप्ट ऑफ
इवेलुएशन, ई वी ए एल यू ए ई वी ए एल यू ए टी आई ओ एन, कंसेप्ट ऑफ इवेलुएशन। तो एनसीईआरटी की एक पुस्तक है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। इसमें तीन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है? तो उन तीन चीज़ों में पहली है उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। नंबर दो, दूसरे में है कक्षा में दिए जाने वाले सीखने के अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, कक्षा में दिए जाने वाले सीखने के अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। कक्षा में दिए जाने वाले सीखने के अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, तो ये भी मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया में तीसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है। नंबर थ्री, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है, इतने अच्छे ढंग से हुई है। तो एनसीईआरटी की कंसेप्ट ऑफ इवेलुएशन पुस्तक में इन तीन बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो मूल्यांकन ये इनके द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को केंद्र बनाना ही मूल्यांकन का अभिप्राय है। तो मूल्यांकन का अभिप्राय क्या है? शिक्षा के उद्देश्यों को केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का अभिप्राय क्या है? शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का अभिप्राय है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम समझेंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया में तीन पद होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या होता है? ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो इस मूल्यांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले प्रमुख क्या होते हैं? उद्देश्य, शिक्षा उद्देश्य, ये क्या है? सबसे प्रमुख होते हैं, सबसे प्रमुख जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो सबसे प्रमुख होते हैं। फिर आते हैं आपका अधिगम अनुभव, और फिर आता है आपका मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन, तो ये तीनों चीजें मिलकर के मूल्यांकन चक्र को पूरा करते हैं। पहला है शिक्षण के उद्देश्य,
दूसरा है अधिगम अनुभव। पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर उनको अधिगम अनुभव दिए जाते हैं, और फिर मूल्यांकन के उपकरण जो भी शिक्षण विधियाँ है, सहायक सामग्री है, या फिर जो आपके प्रश्न जो मौखिक लिखित प्रायोगिक जो परीक्षाएं हैं उनके द्वारा फिर छात्र के व्यवहार में परिवर्तन को देखा जाता है, और ये तीनों चीजें मिलकर के मूल्यांकन चक्र को पूरा करते हैं, तो इसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं। ये मूल्यांकन कहा जाता है, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया हुई। अब आते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, तो वो सोपान कौन कौन से? पहला है उद्देश्यों का परिभाषीकरण, उद्देश्यों का परिभाषीकरण व निर्धारण। दूसरा है वो है अधिगम अनुभव की योजना बनाना, अधिगम अनुभव की योजना बनाना, अधिगम अनुभव की योजना बनाना। तीसरा है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान करना, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान करना। चौथा है वो है इसका मूल्यांकन तकनीकियों की रचना, मूल्यांकन तकनीकियों की रचना। पांचवा है इसका वो है उपकरण का प्रयोग तथा वास्तविक साक्ष्यों का एकत्रीकरण, उपकरण का प्रयोग। और छठा है इसका लिखित साक्ष्यों की व्याख्या, लिखित साक्ष्यों की व्याख्या। तो लिखित साक्ष्य यानी आंकड़े। तो उपकरण का प्रयोग करना, वास्तविक साक्ष्यों का एकत्रीकरण, वास्तविक साक्ष्यों का एकत्रीकरण। तो ये मूल्यांकन के उपकरण हुए, यानी मूल्यांकन की के सोपान हुए। मूल्यांकन के कौन कौन से सोपान है? तो पहला है उद्देश्यों का निर्धारण करना और उनका परिभाषीकरण करना, दूसरा है अधिगम अनुभव की योजना बनाना, तीसरा है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान करना, यहाँ साक्ष्य का अर्थ है आंकड़े। फिर मूल्यांकन तकनीकियों की रचना करना, तो मूल्यांकन की कौन कौन सी तकनीकियाँ हैं, जैसे कि लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, जो भी है। अगला है उपकरण का प्रयोग, वास्तविक साक्ष्यों का एकत्रीकरण करना, और लिखित साक्ष्यों की व्याख्या करना, और व्याख्या करने के बाद फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना या निर्णय देना। तो यही मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।